आपने कब की थी डिग्री? मैंने तमाम भाइयों को खुशामदेद भी और आपका शुक्रिया भी कि आप बरवक्त और बड़ी तादाद में हैं। आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क में ताजर बरादरी परेशानी के आलम में एक बार फिर चली गई है कि पहले टैक्स क्या एक महीने की डेढ़ महीने के लिए और परसों मुज़ाकरात होने जा रहे हैं बिहार के साथ, तो वो इंशाल्लाह किसी नतीजे में पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि मौजूदा हुकूमत, ठीक है नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान बनाने आई है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि हर काम ही डंडे के जोर पे हो रहा है, हर काम ही ज़बरदस्ती हो रहा है। अब शापर बैग हमें, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा जब चौक में बंदा मर जाता है एक्सीडेंट से, फिर इशारा लगता है वहाँ पे। हमें कुछ अर्सा पहले ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है जिसकी डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल एक खातून हैं, उन्होंने हमसे 6 माह पहले ताजर नुमाइंदों के साथ मीटिंग करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो हमने उनके साथ पूरे इस्लामाबाद से, जो मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, हमारे कराची कंपनी के सदर जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, बड़े मरकज के जनरल सुपर के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, शेख अवैस साहब पूरे 11 के एरिया को रिप्रजेंट करते हैं, अरशद साहब तर्जुमान हैं हमारे, हम सब ने उनके साथ मीटिंग की और हमें ये कहा गया कि 2013 में गवर्नमेंट ने कानून बनाया था शापर बैग ख़त्म करने का और डिग्रेडेबल शापर को लाने का, तो आप मेहरबानी करें हमारा साथ दें, हम इस शापर को ख़त्म करके ये जिसको आप D2W शापर कहते हैं, जो इस वक्त KP के गवर्नमेंट में बाकायदा पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए हमें कहा गया और उसका सैंपल भी हमें दिया गया। हमने ताजरों को जो इसके सप्लायर थे या जो इंडस्ट्रियल थे जो शापर बनाने वाले थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, हालांकि वो शापर भी आम शापर से 3 रुपये महंगा था, अगर वो 3 रुपये का था तो ये 7 रुपये का है, लेकिन हमने फिर भी लोगों को कहा कि इसको बनाएं और इसको ले आएँ, क्योंकि हम खुद चाहते हैं वो जो D2W शापर है वो 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली इन्होंने कहा जी ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, लोगों ने मनों के हिसाब से उस शापर को बना लिया और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे इल्म में ही बात नहीं है कि तमाम किस्म का शापर ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। एकदम हमें नज़र आया कि जी शापर बैग ख़त्म हो रहा है, 14 अगस्त आखिरी डेट है, तो हमने वही समझा कि पुराना शापर बैग ख़त्म हो रहा है और D2W शापर जो है उसी के लिए ये जोर देंगे। पता चला जनाब D2W भी ख़त्म है। ओ भाई खुदा का वास्ता, जब हमारे पास कस्टमर आएगा हम उसकी झोली में सामान डालेंगे, हम किसी खातून के दुपट्टे में सामान रख कर देंगे? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आखिर क्या हो गया है जमहूरी हुकूमत को? स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, इस वक्त हालात ऐसे हो रहे हैं कि हर दुकानदार पर ऑलरेडी हम परेशान हैं, ऑलरेडी 38 से 40% खरीदारी मुल्क में कम हो गई है, फिर इस शापर की वजह से गाहक सामान ही उधर छोड़ के चला जाता है। कल सेवर पे क्या हुआ है कि आम कस्टमर जो सेवर खरीद, अब सेवर ऐसी जगह है सस्ता खाना वहाँ पे मुयसर है, अब जो लोग बाहर मुल्क से आए होते हैं यहाँ सैर करने मरी जा रहे होते हैं इस्लामाबाद, वो लोग थे, कोई यहाँ का लोकल आदमी नहीं था, उनको कोई पता नहीं था कि शापर पर पाबंदी है इस्लामाबाद में, बाकी मुल्क में नहीं है, तो उन्होंने जब सामान लिया तो डायरेक्टर जनरल साहबा ने और इनके अमला ने, कोई ऐसी साथ नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट साथ नहीं है, इन्होंने पूरी अपनी टीम और लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना उन लोगों को शुरू किया जो मुसाफिर थे जिनको पता ही नहीं था, और उन्होंने आखिर था मैं मौके पर मौजूद था, वहाँ लोगों ने शापर फेंक दिए, लोगों ने कहा खाना ही फेंक दो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या 5 हज़ार, हम तो 100 रुपये का सेवर लेने आए थे, तो ये कहते हैं 5 हज़ार रुपये हमें जुर्माना कर दें, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? खुदा ना खास्ता, हम आज तक किसी ने चर्च को तो ख़त्म किया नहीं है, पाउडर को तो ख़त्म किया नहीं है किसी ने, आइस हमारा हर स्कूल का बच्चा पी रहा है, हम शापर के पीछे पड़ गए कि शापर से बीमारी लग जाएगी, अगर हम 50 साल से बचे हुए हैं शापर से बीमारी नहीं लगी है तो खुदा ना खास्ता 2-4 महीनों में कुछ नहीं होता। हम शापर को तब्दील करने के लिए तैयार हैं,
गवर्नमेंट उसका मुतबादल तो लाए कोई चीज़। अच्छा एक शापर आया है, वो शापर नहीं है, लंबा सा एक लिफाफा है, इत्तेफाक से मैं ला नहीं सका हूँ, किसी मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने बनाया है और वो शापर 2500 रुपये का है। ओ भाई अगर कोई शरीफ आदमी जा रहा है 125 रुपये के वो सेवर लेता है तो 25 का शापर, आप किसी भी कैश एंड कैरी पे जाएं, एक नया टैक्स लग गया है कि जो चीज़ लेने जाता है कैश एंड कैरी वाले कहते हैं पहले 25 रुपये का शापर ले लो। ओ यार खुदा का वास्ता, मुल्क में पहले ही बड़े, इस वक्त हम किस जंग की हालत में है, हम कश्मीर के लिए हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, हमें उधर ध्यान देना है, हम इसीलिए पहले एक हड़ताल पोस्टपोन की। आखिर कौन सी क्यामत आ गई थी कि 14 अगस्त के बाद शापर ना बना तो पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, शापर ना बना तो नया पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। हद हो गई है खुदा की कसम, अब तो ताजर इतना तंग आ गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग कहते हैं कि अजमल साहब आप ऐलान कर रहे हैं हम मार्केटें बंद कर देते हैं, हम कारोबार ही ख़त्म कर देते हैं। ओ भाई खुदा का वास्ता, अंडे किस में डालेगा, चावल किस में डालेगा, डबल रोटी किस में डालेगा, दही किस में डालेगा, गोश्त किस में डालेगा? आप कहते हैं कागज़ के लिफाफे में गोश्त डाले पार हो जाता है, दही डाले नीचे गिर जाती है। खुदा का वास्ता यार, जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को नहीं समझ आ रही इस मुल्क को चलाने की, तो खुदा का वास्ता यार बस कर दें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस मुल्क में, इस तरह की कभी हालात नहीं हुए। 2013 से कानून, 18 तक किसी ने नहीं पूछा, नए पाकिस्तान वालों ने। इस वक्त हालात ये, किसी अस्पताल में हमारे पास बेड नहीं है, व्हील चेयर कोई नहीं है, हस्पताल में कोई रेनोवेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई डिस्प्रीन की गोली नहीं है, हम शापर के पीछे पड़ गए। और शापर हम खुद कसम से चाहते हैं ख़त्म कर दें, लेकिन मुतबादल तो हमें बताएं। 8000 फैक्ट्रियाँ एक दम से आपने बंद कर दी। कल आपने कहा था कि इंडस्ट्री हमारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, हम इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, 8000 इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और भाई उसको मुतबादल दें कि ये बनाओ, ये ना कहो कि ये मेरा बंदा मिनिस्ट्री वाला ये सिर्फ बना सकता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। और सस्ता शापर ले आओ, सस्ता देखें, 2 रुपए का शापर है जिसमें किलो दाल डाल के देनी है, अगर दाल के साथ उसको 1 रुपया बचता है किलो के साथ, दुकानदार को 1 रुपया का मार्जिन है, लेकिन जब वो 25 रुपए का शापर देगा तो किधर गया उसका मार्जिन? मतलब जब तक देखें, ये वही बात हो रही है जो इमरान खान साहब करते हैं कि भाई अखराजात में कमी करें, जब आप अखराजात में कमी मुल्क में नहीं करें तो मुल्क नहीं चल सकता है, वो घर नहीं चल सकता है जिसके अखराजात ज़्यादा हो और आमदन कम हो, वो दुकान नहीं चल सकती है जिसके अखराजात बढ़ जाएंगे। आज बिजली का बिल 25-30 हज़ार से कम नहीं है, गैस का बिल कम नहीं है, किराया 1 लाख रुपये से कम नहीं है, तो ना कौम को मुसीबत में डालें ना हमें मुसीबत में डालें। अगर KPK में इन्हीं की हुकूमत है नए पाकिस्तान की, तो वहाँ पे भी तो यही शापर D2W जो चल रहा है वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ कौन सी क्यामत है? अगर वहाँ चल रहा है तो यहाँ 2 महीने चल जाए, हमें मुतबादल बता दे, हम फिर वो बना लेंगे। लेकिन आप सेवर से इन्होंने 20 मन से जायद शापर उठा कर ले गए हैं, जो D2W शापर है उनको हमने कहा इनके कहने पर कि आप बना लें, उन्होंने बना लिया और वो शापर ये गाड़ियां भर के ले गए। किधर करेंगे इसको? KPK में भेज देंगे, हमें बताएं उसको किधर किया। और कल जो कुछ हुआ वहां पे, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में नहीं आया। अगर वहां पे मजिस्ट्रेट साहब होते, ये गैर कानूनी काम किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब पैदा होती है, जब आप रस्ते में बंदे से बैग छीन लेंगे तो फिर क्या होगा? जब उसको आप नीचे ज़मीन पे वो गिरा देगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने काबू करना होता है। बदकिस्मती हमारी यही है कि हम जिस भी इदारे के जिस अफसर को ये इख्तियारात मिल जाएं, वो समझता है बस मैं अब ये कर दूँगा और फिर कुछ भी नहीं होता, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर उस तरह आता ही कोई नहीं। हम चाहते हैं, हम बड़ी ईमानदारी से शापर बैग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मुतबादल ले आए। हम हल्फन ये बात कर रहे हैं, दुकानदार खुद चाहता है कि मैं इसको ख़त्म कर दे, सफाई हो, कराची के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मुतबादल तो ले आए ना यार, पहले इशारा लगाएं, मरने के बाद इशारा मत लगाएं। हमें कहे ये शापर है इसमें डाल लें, और जब आपके पास बना हुआ ही नहीं है, टोटल इस वक्त
किसी ने अगर वो बनाया है जो ये लिए फिर रहे 25 रुपए का, वो 50,000 या 1 लाख बनाए। इस्लामाबाद में हर रोज 20 लाख लोग 3 शापर जरूर इस्तेमाल करते हैं, 3 शापर। 60 लाख शापर रोजाना चाहिए, 60 लाख या लफाफा चाहिए। ओ खुदा का वास्ता, हर रोज लोग किधर से चोली में डाल के ले जाएंगे? अच्छा कहते हैं लोगों को मोटिवेट करें घर से थैला ले आए कि 1920 में चले जाएं। इधर कहते हैं नहीं, नई सदी में हमने जाना है, हम नई सदी में दाखिल हो रहे हैं, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, और हम पता नहीं क्यों तरक्की नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये तरक्की कर सकते हैं कि बस पाबंदी लगा देते हैं, पाबंदी लगा अल्टरनेट, दुनिया में अल्टरनेट आता है तो फिर बात होती है। मैं 2 मिनट के लिए शेख अवैस साहब से गुजारिश करूँगा, वो बात आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और हमारी आवाज बन गई। जैसे अभी अब्दुल साहब ने आपको बताया इस इशू के हवाले से, तो मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ताजर बिरादरी जो हमेशा से रीढ़ की हड्डी की मानक या रीढ़ की हड्डी समझी जाती है किसी मईशत की, उसको मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों बार बार इतनी परेशानी में डाल दिया गया है। कारोबार की हालत ऐसी है, जैसे आप लोगों ने फरमाया कि 38 से 40% हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी डाउन हो गए। फिर मार्केट में सिचुएशन ऐसी है कि हमें पहले टैक्स के मामला आपने उलझा दिया इतना ज्यादा, हमारे साथ तय कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ, हम हड़तालों पे गए और हमने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इस स्टेट की खातिर, इस मुल्क की खातिर, कश्मीर की खातिर जब हमने उसको पोस्टपोन कर दी, फिर उसके बाद अब मुझे नहीं समझ आ रही जिस तरह अभी बता रहे कि क्या शॉपर का क्या इतना बड़ा इशू है कि इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि ताजर बिरादरी को फिर हरासमेंट में उसमें शुरू कर दी। पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बावर करा दूं कि हम लोग शॉपर के खुद खिलाफ हैं, उसकी 2 वजूहात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहली वजह जो पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत हमारी इस वक्त सारी चेंज लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी मईशत है, वो मईशत किस तरह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे दुकानदारों की जो एक शॉपकीपर्स का एक ऐसा ये हिडन बजट है जो लाखों रुपए का हम इस पर सर्व करते हैं मंथली, अगर लाखों रुपए हम इस पर स्पेंड कर रहे हैं जिसका फायदा ना कंज्यूमर को है ना शॉपकीपर को है, फायदा शायद कोई मैन्युफैक्चरर को होगा क्योंकि उन्होंने मशीनरी लगाई और बिजनेस कर रहे हैं। और जरूरत है, जरूरत तो बिल्कुल है, अगर उसको उन्होंने करना है। हम हमारा कहने का जो हमारा इस सारे तमीर का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इस वक्त लाखों अफराद उनका रोजगार से वाबस्ता है। जब एक चीज अनाउंस की, एक चीज डिक्लेयर की कि आप ये वाला यूज कर सकते हैं, लोगों ने मशीनें भी लगा ली, उसका प्लास्टिक भी आया हुआ, उसका जो मटीरियल रॉ मटीरियल वो पड़ा वो करोड़ों रुपए का रॉ मटीरियल के पास पड़ा। आप 22 जुलाई को अनाउंस करते हैं और 14 अगस्त को उसकी पाबंदी हो जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादा की बात है। और फिर जब एक जरूरत है, जब तक आप एक सब्स्टिट्यूट डिक्लेयर नहीं करते, जब एक नियमित बदल नहीं कर देते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे इस लोगों के, ताजरों के लिए, लोगों के लिए जो कारोबारी लोग हैं उनकी जो है बेरोजगार करने जा रहे हैं। इस पर हम गौर करें हुकूमत, और हमारा भरपूर मुतालबा है कि इसको चीज को थोड़ा कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो उसके लिए सब्स्टिट्यूट और नियमित बदल कर सकें। बहुत 2 मिनट के लिए अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, और मैं अपने इन कायदीन की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हुकूमत पै दर पे कोई ना कोई ऐसे ताजरों पे हमले किए जा रही है मुख्तलिफ कानून के ज़रिए, जिससे हमारा कारोबार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि जैसे कल एक गुंडागर्दी और इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की गई जिसकी वजह से मुजामत हुई और हालात ख़राब हुए, और अगर इसी रविश के ऊपर हुकूमत चलती रही तो हर जगह मुजामत होती रहेगी और इन हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदारी 100% हुकूमत पर होगी। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है इंतज़ामिया से कि हालात को, इस शहर के हालात को पुरअमन रखें,
اور اس طرح کی بے جا سختیاں نہ کریں جس سے امن کا مسئلہ آئے. آپ ہمیں متبادل دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح سے چلتے رہیں گے. شکریہ. جی کوئی سوال؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، صرف ہمارے جو ادارے ہیں نا، شاید عمران خان کو فیل کرنا چاہتے ہیں. میں سچ بتا، ہماری بیوروکریسی نہیں چاہ رہی کہ عمران خان کامیاب ہو. پچھلی گورنمنٹوں میں ہوتا یہ تھا کہ بیوروکریسی ان کے انڈر ہوتی تھی. اگر نواز شریف کی گورنمنٹ تو اس کی اپنی بیوروکریسی وہ لاتے تھے، اسی طرح زرداری صاحب اپنی بیوروکریسی لاتے تھے. انہوں کے پاس بیوروکریسی اپنی ہے ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو لے آئیں جو کھڈے لائن رہتے ہیں ہمیشہ، جو افسر ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اس کو وہ لائیں، آپ کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کرے گا. یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایسی مشکلات پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئیں. مطلب یہ مجھے تو خطرہ ہو چلا ہے کہ نیا بناتے بناتے ہم پرانے سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. میں یہ کہنا چاہوں گا کوئی تشدد کسی نے کیا، میں موقع پہ تھا. ان کی فائل گری ہے، انہوں نے اٹھائی ہے. جو لڑکا تھا ان کا، سنے میری بات، اس لڑکے نے اندر جا کے، کسی کو نہیں پتا، اس کی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس نے جا کے جو اندر لوگ بیٹھے تھے، جو کھانا کھا رہے تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، یہاں سیور میں زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ان کو جا کے کہا کہ اٹھے ادھر سے، جتنے ہاتھوں میں شاپر تھے لوگوں سے لے لی اور 5,000 روپے ان کو جرمانہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا باہر نکلا ہے ہم نے اس کو سیل کرنا ہے. او بھائی خدا کا واسطہ، کون سی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ اس وقت آپ ابھی جا کر دیکھیں سیور سیل ہے، سیور سیل ہے. جتنے لوگ آج بغیر کھانے کے، سستے کھانے کے سفر کیا ہوگا، جو باہر سے آئے ہوں گے، میں ابھی باہر سے دیکھ کر آیا ہوں، سیور کے باہر لوگ کھڑے ہیں کہ جی ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے. ان کا کسی کو خیال نہیں ہے کم از کم. اور دوسری بات، سیور کا بندہ جو مالک ہے، راول پنڈی اسلام آباد کا نمبر ون ٹیکس پیئر ہے، سیکنڈ نہیں ہے، نمبر ون ٹیکس پیئر ہے. میں فکر نہیں بتاؤں گا، اچھا نہیں ہوتا کسی کا، لیکن اس سے زیادہ کوئی شخص پنڈی اسلام آباد میں ٹیکس نہیں دیتا. ایسے بندے کو آپ اندر بند کر کے کہیں تیرے دفتر کا دکان کاروبار کو سیل کرنا ہے، خدا کا واسطہ یار کدھر ہم جا رہے ہیں؟ کون سی اتنی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ان چند افسران جو باہر کھڑے ان کو ذرا خیال نہیں آیا کہ وہ اے سی کو ساتھ، اگر اے سی صاحب ساتھ ہوتے، مجسٹریٹ صاحب ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ زیادہ وہ سیل کرتے. لیکن میں کہتا ہوں سیل کیوں کر رہے ہیں، کاروبار کیوں بند کر رہے ہیں؟ مسئلہ شاپر کا ہے، ہمیں بتائیں اس شاپر میں ڈالیں، اس شاپر میں ڈالیں. اور اس نے اس کے باوجود 25 روپے والا شاپر، اس نے کہا اجمل صاحب گجراوالا سے بند کر ایک ٹرک میرا پورا آ رہا ہے، وہاں سے چل پڑا ہے، ابھی اس میں ڈال، پھر بھی آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. او یار اتنا کیا کیا مت آ گئی ہے. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے، بات کوئی سنے تو صحیح نا. نئے لوگ ہیں، نئے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں جو ہم نے حکم دیا بس وہ چلے گا. جمہوری حکومت میں ایسا نہیں ہوتا، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں. بات یہ ہے، میں کہتا ہوں ایک لفاف شاپر 2 روپے کا، 3 کا 4 کا، آپ اس کا متبادل سستا لے آئیں، ورنہ وہ دالیں کس میں ڈال کے دے گا؟ وہ 25 روپے کے شاپر میں دال نہیں ڈال کے دے گا بھائی، وہ 25 روپے کے شاپر میں دہی کلو نہیں ڈال کے دے گا، کدھر سے لائیں گے؟ یہ وہ اس کا متبادل D2W جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. ہم نے ان کو جب کے پی کے گورنمنٹ میں بھی یہی حکومت چلا رہی ہے نا، یا کسی اور کی ہے، انہوں نے وہاں پہ حکم دیا ہوا ہے کہ D2W چل رہا ہے. ہم نے D2W بنوایا ہے اسلام آباد میں، سیور کا 20 من سے زیادہ اٹھا کے لے گئے D2W، لاکھوں روپے کا شاپر اٹھا کے لے گئے. وہ بھائی کیوں کہا؟ انہوں نے ہمیں کہا یہ بنائیں، ہم نے انہیں کے کہنے پہ بنایا، تو اس کی ذمہ دار میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیوں کہا تھا D2W بنائیں. میں اس کا بھی ایک جواب آپ کو بتا دوں کہ D2W کا جو انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ اس کو کرنا ہے، اس کے بعد اگر D2W اگر کوئی بھی زید بکر لگا سکتا ہے، مشین لگا کے وہ بنا رہا ہے، تو یہ کیوں اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ڈاکٹرز کا ہم اکثر سنتے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں لیبارٹری سے جا کے آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے، اور کسی لیبارٹری کا ٹیسٹ میں نہیں دیکھوں گا، تو یہ کیوں ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ جناب 25 روپے والا شاپر اس سے جگ کریں؟
और जब एक बंदा 70-80 रुपए की ब्रेड लेगा तो 25 रुपए के उस बैग में वो खरीद के लगे डालेगा ब्रेड, ना वो रिटेलर अफोर्ड कर सकता है ना कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता। इसमें ना मतलब देखिए, वो हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्री थी छापर की उसको बंद नहीं होना चाहिए, उस पर मुतबादल ले आए, वहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं, लाखों, वो जो जिन्होंने पैसा खर्च किया हुआ है, जिनको मतलब वो मर जाएंगे, वो किधर जाएंगे, मुतबादल उनको दे, मुतबादल किसी मिनिस्ट्री को ना दे दे कि वो बनाए, मुतबादल आप ऐसे लोगों को जो पब्लिक में ऑलरेडी बना रहे हैं उनके हवाले किया जाए। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये जो D2W है, अगर दुनिया में ये चल रहा है, सऊदी अरब में ये चल रहा है, बरतानिया में ये चल रहा है, तमाम पूरे यूरोप में ये चल रहा है, तो फिर हमारे मुल्क में कौन सी क्यामत आ गई है कि ये KP के हमारा हिस्सा नहीं है। इसी गवर्नमेंट ने हुक्म दे रखा है कि वहाँ D2W होगा और यहाँ ये कहते हैं नहीं होगा, ये बदकिस्मती की बात है। इस्लामाबाद की हालत ये है कि F6 का जो सेक्टर है, F11 12 तक ये CDA सफाई करता है, बाकी सारा ठेके पे दिया हुआ है। मैं सिर्फ G6 की बात करूं, वहाँ 13 लोगों की अपार्टमेंट है, 2 बंदे काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे मेयर साहब भी फारिग हो गए, यानी भाग गए। इस वक्त 1 रुपए की डेवलपमेंट इस्लामाबाद में कोई नहीं हुई है, हमारा सीवरेज सिस्टम ख़त्म है, पुराने एरिया में जैम है, उसमें लोग मिक्स पानी पी रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि उधर हेपेटाइटिस छापर से नहीं हो रही, उस पीने के पानी से हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने हल करने हैं, हम छापर के पीछे पड़ गए। तो छापर फिलहाल D2W फिलहाल रखें, इसके बाद भी कोई मुतबादल आता है तो ले आए, हम बनाने के लिए तैयार हैं। ना इंडस्ट्री बंद करें, ना लोगों का रोज़गार ख़त्म करें, ना कस्टमर के, अब गाहक, और गाहक बेचारा दुकान पर जाएगा तो वो छापर लेते 5,000 रुपये जुर्माना होगा, वो सारी दाल ही फेंक के उधर आ जाएगा, वो सामान ही नीचे फेंक के आ जाएगा। तो ऐसे काम ना करें, हमारी गुजारिश है हुकूमत हमारे साथ बैठे, हम मसला हल करने के लिए तैयार। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी।